सो फाइनली गाइज, ये है यमहा की R15 वर्जन 4 का लेटेस्ट 2024 मॉडल। जो स्क्रीन पे कलर देख पा रहे होंगे ये इसका रेड कलर वेरिएंट है। इसके अलावा इसमें आपको चार कलर वेरिएंट और देखने को मिल जाएंगे और सबकी प्राइस आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये R15 वर्जन 4 का सबसे सस्ता कलर वेरियंट है। सस्ता इसलिए क्योंकि इसकी जो प्राइस है इसके अदर कलर वेरियंट की अपेक्षा थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। 2024 के नए अपडेट में क्या नए अपडेट किए गए हैं पूरी जानकारी आपको डिटेल में देने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आमोद कुमार, आप देख रहे हैं राइडर के भी। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कलर वेरिएंट के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 5 कलर वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। ये इसका रेड कलर वेरिएंट है। इस कलर वेरिएंट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपका फेवरेट कलर वेरिएंट कौन सा है वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्स शोरूम प्राइस करंट में आपको 182,000 रुपए शोरूम प्राइस मिलेगी। 182,000 एक्स शोरूम प्राइस है। कंप्लीट ऑन रोड प्राइस के लिए आप अपना बजट रख लीजिएगा 223,000 टू 224,000 रुपीज। 223,000 से 224,000 रुपए के बीच में कंप्लीट ऑन रोड प्राइस मिलने वाली है। अब इस प्राइस में आपको क्या क्या मिलता है उस पे हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका फ्रंट से लुक देख लीजिए। फ्रंट से लुक आपको काफी स्पोर्टी लुक देखने को मिलेगा। एलईडी DRL लाइट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। मेन हेडलैम्प में क्लास डी का फुल LED सपोर्टेड LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगा जो की एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। R15 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड देखने को मिल जाएगा और इसके जो मिरर है वो आपको एडजस्टेबल मिरर देखने को मिलेंगे जो कि बॉडी फिटेड रखे गए हैं। R15 वर्जन 4 की ब्रांडिंग आपको इसके फेयरिंग पे मिल जाएगी जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है। और अगर फ्रंट ब्रेक देखेंगे तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। 282mm डिस्क की साइज रखी गई है, 282mm डिस्क की साइज है और इसमें आपको डुअल ABS का सपोर्ट मिल जाएगा, तो नो डाउट ब्रेकिंग आपकी काफी ज्यादा ऑसम हो जाती है। फ्रंट का टायर आपको 100x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा और स्प्लिट टाइप के अलॉय व्हील इसमें आपको मिल जाएंगे। अलॉय व्हील पे भी आपको R15 वर्जन 4 की ब्रांडिंग स्टिकरिंग में मिलेगी जो कि आपको येलो कलर की देखने को मिलेगी। ब्लैक कलर का आपको व्हील मिल जाएगा, लुक वाइज काफी बेहतर लगता है। फ्रंट का सस्पेंशन आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक अप साइड डाउन फॉर्क देखने को मिलेगा। USD फ्रंट फॉर्क आपको मिल जाता है, अप साइड डाउन फॉर्क जो कि आपको गोल्डन फिनिश में मिलेगा, तो सुपीरियर क्वालिटी की आपको सस्पेंशन क्वालिटी देखने को मिलेगी। और R15 के सभी सीरीज में आपको सस्पेंशन क्वालिटी ब्रेकिंग क्वालिटी काफी ऑसम देखने को मिलती है। फेयरिंग पे R15 वर्जन 4 की ब्रांडिंग आपको स्टिकरिंग में मिलेगी। एरोडायनेमिक लुक मिल जाता है। आगे आपको येलो कलर का स्टिकर देखने को मिल जाता है इसके LED DRL लाइट के पास में। इंडिकेटर बल्ब वाले रखे गए हैं। LED विंकर्स इसमें आपको अभी तक देखने को नहीं मिलते हैं। साइड से लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। लुक के बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो फुली डिजिटल मीटर कंसोल यहाँ पे आपको मिलता है। फुल डिजिटल मीटर कंसोल विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, वॉच, ये सारी चीजें आपको डिजिटल मिलती है। साथ ही साथ दो मोड भी इसमें आपको मिल जाएगा, ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड। ब्लूटूथ कनेक्टेड मीटर कंसोल है तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद आप इसमें कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, ईमेल अलर्ट, फोन स्टेटस, फोन कनेक्टिविटी, फ्यूल कंजप्शन, लास्ट पार्किंग लोकेशन, ये सारे फीचर्स आपको मीटर कंसोल में देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको ABS इंडिकेटर के साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है TCS टेक्नोलॉजी जो आपके व्हील को स्पिन होने के चांसेस को काफी हद तक कंट्रोल करता है। स्विचिंग क्वालिटी देखेंगे तो लेफ्ट हैंडल बार पे इंटीग्रेटेड स्विच मिलेगा, लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच एक ही में मिलेगा, नीचे साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच मिल जाएगा। क्लिप ऑन हैंडल बार आपको मिल जाता है। राइडिंग पोस्चर काफी इंप्रूव किया गया है। राइट हैंडल बार पे आपको इंजन कील ऑन ऑफ स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच इंटीग्रेटेड मिलता है और उसके नीचे आपको हैजर्ड लाइट स्विच भी मिल जाती है। फ्यूल टैंक काफी अग्रेसिव है। टैंक पे डुअल टोनिंग आपको मिल जाती है, ब्लैक और रेड कलर का कॉम्बिनेशन जो कि लुक को भी काफी इनहेंस करता है। 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और E20 कंपैटिबल ये बाइक है, तो इसमें आपको फ्लेक्स फ्यूल डलवाना पड़ेगा, एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल पड़ेगा। फ्यूल इफिशियंसी भी आपको काफी बेहतर मिलेगी। साइड से लुक एक बार फिर से देखिए, साइड से लुक काफी बेहतर मिलता है। 155cc का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 4-वाल्व BS6 फेज 2 इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। इंजन काफी रिडिफाइन कर दिया गया है, इंजन की स्मूथनेस आपको काफी बेहतर मिल जाएगी, किसी तरह से आपको इसमें वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। 18.4 PS की मैक्स पावर आपको मिल जाएगी 10,000 RPM पे और 14.2 Nm का मैक्स टॉर्क मिल जाएगा 7,500 RPM पे। पावर और टॉर्क काफी बेहतर है। पावर और टॉर्क
से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इंजन काफी स्मूथ मिलेगा और परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर मिलेगी। ट्रांसमिशन में 6 गियर आपको मिल जाएंगे और साइड स्टैंड में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम भी मिल जाता है। असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी आपको इसमें मिल जाएगा, तो डाउन शिफ्टिंग करते टाइम आपको कम झटके महसूस होते हैं, तो ये भी काफी सही है। और लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है, तो लिक्विड कूलिंग होने की वजह से इंजन की हीटिंग की भी प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। सीट कंफर्ट काफी बेहतर है, राइडर के लिए सीट कंफर्ट काफी बेहतर मिलेगा, बट पिलियन राइडर के लिए सीट आपको कम चौड़ी देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सीट काउल पे आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं रेड और येलो कलर के, जो कि लुक को भी काफी इनहेंस करता है। एरोडायनेमिक लुक आपको मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा स्पोर्टी फीलिंग भी प्रोवाइड करता है। रियर प्रोफाइल में रेगुलर डिजाइन का टेल लैंप आपको मिल जाएगा और रियर के इंडिकेटर भी आपको बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, साइड में साइड रिफ्लेक्टर भी आपको मिल जाता है। रियर का ब्रेक 220mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, तो पीछे भी आपको डिस्क मिलता है और डुअल एबीएस का सपोर्ट है, तो नो डाउट ब्रेकिंग आपको काफी बेहतर मिलेगी। ब्लैक कलर के स्प्लिट टाइप के अलावा रियर में भी आपको मिल जाएंगे। रियर का टायर 140x70 का 17 इंच का सुपर वाइड रेडियल टायर आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि ट्यूबलेस टायर रखा गया है, तो टायर आपको ट्यूबलेस मिलेगा और चौड़ा भी मिलेगा, तो कॉर्नरिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टायर पे आपको हैगर गार्ड भी मिल जाता है। रियर का सस्पेंशन आपको लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है, सुपीरियर क्वालिटी की सस्पेंशन क्वालिटी भी आपको मिलेगी। एग्जॉस्ट आपको ब्लैक कलर का डुअल टोनिंग में मिल जाएगा, जो कि काफी स्पोर्टी लुक के साथ स्पोर्टी ट्यूनिंग भी इसको प्रोवाइड करती है। अदरवाइज कोई चेंजेस इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कैसी लगी बाइक और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।